भद्रवाह में महिलाओं ने हर्षोल्लास व श्रद्धा भाव से प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक यानी कंचोत का पर्व मनाया। बर्फबारी और अत्यधिक शीतलहर के बावजूद सभी विवाहित महिलाओं ने इस दिन सोलह श्रृंगार करके व्रत रखकर मंदिर में भगवान शिव मां पार्वती की पूजा आराधना की और अपने पति की लंबी आयु की कामना की। ये सदियों पुराना त्योहार चेनाब वैली में विशेष रूप से मनाया जाता है। ये पर्व विशेष रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। देश के अन्य हिस्सों में मनाए जाने वाले करवा चौथ की तरह कंचोत या गौरी तृतीया महिलाओं का एक स्थानीय त्यौहार है और हिंदू कैलेंडर के मुताबिक माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान हर साल ये व्रत चेनाब क्षेत्र में ये पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। जहां करवा चौथ पर महिलाएं रात में चांद देखकर शाकाहारी भोजन के साथ अपना व्रत तोड़ती हैं, वहीं कंचोत व्रत में दिन भर मां गौरी की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और बाद में मांसाहारी व्यंजनों के साथ इस व्रत को तोड़ा जाता है। विवाहित महिलाओं के लिए ये दिन पवित्र माना जाता है। वे देवी गौरी से उनके पति के लंबी और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करती हैं। इस दिन कपड़े, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी को पवित्र माना जाता है और मां गौरी को अर्पित किया जाता है। सोलह श्रृंगार की ये वस्तुएं व्रत रखने वाली महिलाएं भी पहनती हैं। इस दिन व्रत रखकर महिलाएं सभी को थैल सम्मान देने के लिए यानी अपने पड़ोस में जाती हैं और बदले में उन्हें सुहागन भू यानी पति की लंबी उम्र की कामना का आशीर्वाद मिलता है। सर, मेरा नाम अनीता है, ये मेरी दूसरी कंचोत है। इस फेस्टिवल के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, काफ़ी देर से हमें इंतज़ार रहता है कि कभी आएगा, क्योंकि ये लोकल फेस्टिवल है, सिर्फ चेनाब वैली में मनाया जाता है। जैसे ऑल ओवर इंडिया करवा चौथ का वेट रहता है, वो तो हम मनाते ही हैं, पर ये हमारा लोकल फेस्टिवल है और इसका हमें काफ़ी देर से वेट रहता है। और ये हम इसलिए मनाते हैं कि इस दिन ऐसी मान्यता है कि शिव जी भगवान जी और पार्वती माता जी की शादी हुई थी, और जब पार्वती माता जी आए थे तो शिव जी भगवान ने उनको बर्फ़ का आसन जो होता है वो एज गिफ्ट दिया था। तो करवा चौथ पे जब स्नोफॉल होती है तो काफ़ी शुभ माना जाता है, उसको एक शुभ संकेत की तरह लिया जाता है। फिर हम पूजा वगैरह करते हैं और फिर हम अपने बुज़ुर्गों से, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनसे हम जर्नली अपनी बिजी लाइफ में मिलना भी शायद ज़रूरी नहीं समझते, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेके उनके साथ खाना खाते हैं और फिर अपना फास्ट खोलते हैं। मेरा नाम ज्योति बलोरिया है, तो यहाँ धारा में मेरी शादी हुई है, अभी कोई 4-5 महीने पहले शादी हुई है। ये मेरा फर्स्ट कुंचोत है मेरी, जो हम लोग यहाँ पे सुहाग में अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करने आती हैं। कुंचोत करवा चौथ की ही तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। यहाँ के लोकल जो हैं, जो अपने सुहाग के लिए जो यहाँ पे आते हैं, एक्चुअली कुंचोत बेसिकली पार्वती माता, जो गौरा माता हैं, तो उन्होंने शिव जी भगवान और पार्वती माता की उस दिन शादी हुई थी, तो उन्होंने शिव जी के लिए फास्ट रखा था, व्रत रखा था, तो उसी को हम कुंचोत कहते हैं। और हम सभी सुहाग में इस त्यौहार को बहुत ही खुशी से मनाते हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। जुपिटर मोटर लाए हैं अब काइनेटिक ई रिक्शा लिथियम बैटरी के साथ बिल्कुल नए रूप में, क्योंकि अब काइनेटिक ई रिक्शा में है 105 AH की ट्रॉनटेक की बड़ी बैटरी के साथ, जो एक बार चार्ज होने पर मैदानी इलाकों में चलेगी 135 किलोमीटर जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 100 किलोमीटर, क्योंकि इसमें है लेड एसिड की जगह लिथियम बैटरी, साथ में डबल सस्पेंशन, हैवी कमानी, हैवी शॉकर, कंट्रोलर, कूलिंग फैन, हैवी कंट्रोलर, 1200 वॉट की पावरफुल मोटर जो हर चढ़ाई को कर दे बेहद आसान, साथ ही चढ़ाई चढ़ने के लिए पावर गियर, हैंड ब्रेक, डिजिटल मीटर, FM साउंड सिस्टम विद पेन ड्राइव, बैटरी की क्षमता को दर्शाने वाला SOC मीटर, जबकि फुल एक्सेसरीज, मैटिंग, साइड कवर फॉर रेन और बैटरी पर पाए 3 साल की फुल वारंटी। अब हर काइनेटिक ई रिक्शा की खरीद पर, जिसमें आप पा सकते हैं 32 इंच की LCD या सैमसंग फुली एंड्रॉयड फोन या 15,000 का कैश डिस्काउंट, जबकि महिलाओं के लिए विशेष ऑफर है, महिलाओं को मिलेगा 20,000 तक का कैश डिस्काउंट। हमारा पता है जुपिटर मोटर बिहाइंड साईं सहयोग बार गंग्याल जम्मू, फोन नंबर है 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।